हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना कि स्मॉल टू स्मॉल, देखो चार का पाँच का फॉन्ट है ये, जो है ना चार का फॉन्ट है ये स्टैम्प कैसे आप निकालेंगे। ये देखो, ये सब तो बड़े हैं, और डॉट कैसे बचाना है क्या, उस पर मैं बोल रहा हूँ आज। असल में मैं उस पर ही बताऊँगा कि बबल्स कैसे हटाएंगे। देखिए, आप हटाएंगे अभी, हम लोग बबल्स कैसे हटाते हैं। ये बैक साइड का टुकड़ा लेकर ऐसा बबल्स हटा देते हैं, देखा आपने। और जो डॉट्स रहेंगे वो कैसे बचाना है आपको, अगर स्मॉल लेटर लिया है आपने छोटा से छोटा, तो आपको टाइम थोड़ा एक दो सेकंड बढ़ा देना है, नहीं तो ये जो देखो डॉट इसके अंदर जो दिख रहे हैं ना आपको, और जो कम रहेगा ना वो उड़ जाएंगे। अभी आप ये देखो, ये एक्स्ट्रा जो लिक्विड है वो आपको साइड से ऐसे निकालना है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा लिक्विड रहेगा आपका इसमें ना, तो जब आप कांच रखेंगे तो बाहर निकलता रहेगा, वो बाहर निकलेगा, आपने टाइम दे दिया तो क्या होगा, स्टैम्प भर जाएगा या तो उड़ जाएगा, या तो लिक्विड बाहर निकल जाएगा तो भर जाएगा, और लिक्विड अगर बाहर निकलने से पहले आपने टाइम दे दिया तो आपको उड़ जाएगा पूरा, क्योंकि लिक्विड तो उसमें स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि अपने लिक्विड बाहर निकल रहा है आपने टाइम दे दिया। तो आज आप देखो कैसा स्टैम्प कैसे बनाते हैं, ये मेन है। तो अभी अब मेरा बहुत सारा वीडियो है स्टैम्प के ऊपर। आज मैं सिर्फ क्या, आज एक गया से फ़ोन आया था मुझे, उनका क्या है, फ़ोन आ रहा था बार बार कि कोई भी टाइम दे रहे थे तो उनका या तो उड़ जा रहा था या तो भर जा रहा था। लास्ट में उन्होंने, मैंने बताया उनको और कि थोड़ा टाइम आगे पीछे कीजिए, तो उन्होंने टाइम आगे पीछे किया, एक दो बार हुआ, तीसरा बार में सक्सेसफुल उनका स्टैम्प बन गया। तो अभी आप देखिए, अभी हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा लिक्विड था सब निकालते गए हम लोग। अभी उसमें करीब करीब ओके, चारों कॉर्नर भरना है। आप देखेंगे ना तो बीच वाला स्टैम्प तो आता है, कॉर्नर भर जाता है कभी कभी, किसी किसी का, मेरा भी भर जाता है, किसी किसी का भर जाता है। तो आपको क्या करना है, कॉर्नर का चारों तरफ से बीच बीच से निकाल के ना, इधर से इधर से इधर से और इधर से निकाल के कॉर्नर भरना है। अभी ठीक है, अभी देखिए बैक सीट कट करके हम डालेंगे, बैक सीट कट कर रहे अभी। और मेन आपने को क्या समझना है कि जो छोटे लेटर है स्मॉल, एक मुझे कमेंट भी आया था कि कम से कम कितने का फॉन्ट का बना सकते हैं, तो चार का ये लेटर लिया है मैंने। ये किसके लिए लिया है, ये इसके लिए लिया है, देखो इसमें डालना है हमको। आप ये देखो इसमें डालना है ट्रोडेट में, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए अभी बैक सीट डालेंगे, बैक सीट कैसे डालना है आप देख लो, छोटा में तो आप कैसे भी डालेंगे चलेगा, बड़ा में ना आपको ऐसा बीच से डालना है बैक सीट। बाकी दोनों साइड पैकिंग जरूर देना है। ये देखो आप हमारे हर एक भी आप लॉट में देखेंगे हम साइड से पैकिंग डालते हैं, इससे क्या होगा ना आपका थोड़ा सा जाड़ा पैकिंग रहेगा, आपका जो बॉर्डर टेप है उससे चारों तरफ वो बराबर ये करेगा, और आपका ना डीप आएगा, डीप जो गहराई बोलते हैं, डीप बोलते हैं, लेटर उठ के आता है वैसा, वो पैकिंग देने के बाद ही आएगा फ्रेंड। तो प्लीज़ इसको देखो, अभी हो गया है, अभी हम इसको टाइम देंगे। देखो हमारा टाइम है फर्स्ट 8 सेकंड देते हैं ऊपर का ट्यूब का, और नीचे हम 80-85 देते हैं। तो आप अपने अनुसार देखो, एक स्टैम्प अगर ज़्यादा ये छोटा लॉट रहता है तो टाइम चेंज हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं कि ये टाइम पकड़ के नहीं रहना है। अगर लॉट आपका बड़ा है तो ज़्यादा थोड़ा बढ़ा देना है, और अगर लॉट थोड़ा छोटा है तो कम करना है, और आपको डीप ज़्यादा चाहिए लिक्विड ज़्यादा है वो भी ध्यान देना है। खाली ऐसा नहीं, टाइम सब पे डिपेंड करता है टाइम। और नीचे देखो ये हाइपो का पानी है, इसमें आपको डालेंगे तो हार्ड आएगा, स्टैम्प हार्ड होएगा। ये देखो, और आपको जो मैं दिखा रहा था ना किस में डालना, किसके लिए, वो छोटा चार का फोन का बनाया वो इसके लिए बनाया हमने, ये बनाते हैं ना इसमें डालते हो तो इसमें जगह कम रहता है और मैटर बहुत रहता है। तो अभी हम लास्ट में इसको आपको दिखाएंगे कैसे क्या करना है, तब तक ये टाइम हो रहा है तब तक हम रुकते हैं। ये देखिए अभी अब इसमें ना लिक्विड ज़्यादा था हमारा, तो अभी लिक्विड बाहर आया, देखिए कितना सारा। अभी देखते हैं ये कैसा बना है वो देखते हैं। ये देखिए आपको बोल रहा था ना ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया है, सॉरी टाइम नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लिक्विड ज़्यादा हो गया था देखिए, तो इसमें चारों साइड से बाहर आ गया लिक्विड। तो उससे क्या होगा ना, आपको उड़ने का डर रहेगा, जो मैं वीडियो में पहले बोल रहा था ना कि अगर लिक्विड फ्लो में आपने टाइम दे दिया तो
तो उड़ने का डर रहता है। इस तो अच्छा था, टाइम ज़्यादा दिया हुआ था, एक्सपीरियंस है इसके कारण बच गया, नहीं तो ये खराब हो जाता था। लॉट देखिए इसमें से कितना निकला है बाहर, चारों कोर देखेंगे ना, चारों साइड एक परत है, कम से कम दो तीन स्टैम्प के इतना बाहर निकल गया है। तो आपको ये रुकना है, टाइम देना है थोड़ा, तो रुकना है कि भाई चेक कर लेना है कितना है। दो तीन बार बनाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा कितना लिक्विड डालना है, क्या करना है आपको ना। मैं इसको ये निकालने के बाद ना लाइट में दिखाता हूँ कितना। और ये ना डीप का ये है कि डीप कैसे आएगा ना, उसका वही है, आप थोड़ा टाइम कम करो फिर आप डीप आएगा। ये देखो हाँ, मैं लाइट में देखा, देखिए चारों साइड से देखिए लिक कितना बाहर आया। डीप अच्छा है क्योंकि चारों साइड से ना लिक्विड बहुत बाहर निकला है। इसको आपको ये करना है, ये नहीं होना चाहिए जो लिक्विड बाहर आता है ना, इसको आप पे कंट्रोल करना है कि लिक्विड कम डाले, थोड़ा टाइम देके। हम लोगों ने क्या है तो लिक्विड क्यों बाहर आ जाता है, हम लोगों को जल्दी वीडियो बनाना रहता है तो हम लिक्विड ज़्यादा डालते हैं, और जल्दी जल्दी वो डालने के चक्कर में ये देखिए उसको ना वॉशिंग चालू किया है। तो एक वो ये भी बोल रहे थे कि जब वॉशिंग करते हैं ना तो लेटर ना हिल जाता है या टूट जाता है, तो कब होगा, यही होगा जब आपका लिक्विड ज़्यादा रहेगा और टाइम कम पड़ेगा ना, तो ही लेटर में वॉशिंग में टूटेगा आपको। तो आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम जो है वो बढ़ा देना है। अब ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम जो है ना उसका बढ़ा देना है। अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है ना तो फर्स्ट टाइम वही रखना है, सेकेंड टाइम थोड़ा बढ़ा देना है। तो उनको बताया मैं सेकेंड टाइम बढ़ा दीजिए, तो बढ़ाए हो और बहुत अच्छा बना हो। तो आप भी अगर कुछ अगर समझो वॉशिंग में लेटर टूट रहा है तो आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम को बढ़ा देना है तो आपका लेटर नहीं टूटेगा। अभी आपको ना ये होने के बाद दिखाता हूँ। ये देखिए वॉशिंग किया है, अभी इसका क्वालिटी देखिए कितना डीप आया है। ये देखिए लाइट में दिखाओगे, नहीं लाइट में नहीं दिख रहा है, ऐसा ही दिखेगा। ये देखिए अभी इसमें अभी हाइपो में डालेंगे वॉशिंग करने के बाद ना, ये हाइपो के पानी में डालने का मशीन के नीचे, तो उससे क्या होगा, हार्ड होएगा और चिकट ये सब है ना वो सब भी आपका जाएगा। इसके पानी में डालेंगे ना ऐसा लाइट चालू कर देने का, उससे क्या होगा आपका जो चिकट रहेगा चला जाएगा और लेटर एकदम हार्ड हो जाएगा। जो जैसा है ना फिक्स, उसको बोलते हैं फिक्सर भी, फिक्स हो जाता है और हार्ड हो जाता है और चिकट चला जाता है, तीन चार फायदा होता है इससे, इसलिए ये पानी में ज़रूर डालने का। ओके फ्रेंड, अभी ना इसको होने के बाद ना, ये थोड़ा टाइम दिया एक मिनट का, ये होने के बाद बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये आ गया है, अभी इसका ना ये निकल रहा है, देखिए स्मॉल लेटर जो आपको बताया था चार का फॉन्ट है वो, ये देखिए अभी आपको ना कट करके दिखाते हैं। ये थैंक यू का बनाया है, ये वेरीफाइड का। मैंने क्या किया, इसको कट किया, जो बनाया था सबसे छोटा फॉन्ट का आपको बताया था, ये कट किया। अभी किस में चिपकाना है, इसमें चिपकाना है, टोटेट का आपको बताया था ना, इसमें मैंने अलग कलर लिया है ब्लू वाले, ये इसे निकाला ऐसे किया। इसका ना पतला नायलॉन चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा जाड़ा बन गया है, फिर भी हम उसको इतना चलता है, ज़्यादा जाड़ा नहीं हुआ है। अभी इसको क्या करना है, इसे चिपकाना है, देखा आपने, ये देखो चिपकाया, इसे फिटिंग किया ऐसा, ये देखो चार का फॉन्ट क्या है। ओके फ्रेंड, तो अगर और आपको कुछ ऐसा रहे तो आप प्लीज़ कमेंट करो, हम उसका बताएंगे, वीडियो बनाएंगे। और ये देखो अलग अलग तरह का थैंक यू बनाए, वो आपको दिख रहा होगा। ओके फिर, थैंक यू।